तो ये मेरी नेक्सॉन ईवी मैक्स और मेरा नाम है डॉक्टर गिरीश और डॉक्टर गैजेट चैनल में आपका स्वागत है। और मैं पहले अपनी फर्स्ट कार जो है वो स्विफ्ट जो मेरे पापा ने खरीदी थी वो लगभग 1,00,000+ किलोमीटर चला चुका हूँ। उसके अलावा मेरा ईवी में फर्स्ट स्कूटर था ओला स्कूटर जो मैंने वन ऑफ द फ्यूएस्ट ओनर जो स्टार्टिंग में हमने बाय किया था और छत्तीसगढ़ का फर्स्ट ओला स्कूटर ओनर हूँ मैं। और ईवी के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था ओला स्कूटर के साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना कार पे भी ईवी पे शिफ्ट हुआ जाए। तो हमने इसलिए ख़रीदी है ये नेक्सॉन ईवी मैक्स। इसको हुए हैं अभी 6-7 दिन खरीदे हुए, 14 तारीख को मैंने ख़रीदा था। और उसके साथ जो है एक्सपीरियंस कैसा है ओवरऑल, अभी तक तो सेटिस्फैक्ट्री है। इस चैनल में मैं अभी बीच में वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि बीच के जो सेगमेंट्स हैं उसके मेरे को एडिटिंग करनी पड़ी, उसके लिए समय चाहिए। तो इस चैनल पे हम लोग क्या क्या बात करेंगे ये बात कर लेते हैं। इस चैनल में हम पहले प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे, गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है अगर आप ईवी लेते हैं, नेक्सॉन ईवी मैक्स स्पेशली। और परफॉर्मेंस की बात करेंगे, अलग अलग समय में हम अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी, उसके बाद फीचर्स और कन्वीनियंस की बात करेंगे, उसके अलावा लग्जरी की बात करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स में मैं डिफरेंट वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा समय के साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ईवी लेने में और फ्यूचर में शायद ज़्यादा लोगों के पास ईवी रहेगी, तो अगर आप स्कूटर ईवी का ओन करते हैं, ओला स्कूटर या एथर स्कूटर या कोई भी, तो आप कार पे भी शायद शिफ्ट होना चाहें, क्योंकि मेरे हिसाब से आपका एक्सपीरियंस बहुत लोगों का, मैक्सिमम लोगों का अच्छा ही रहा होगा ईवी स्कूटर के साथ, क्योंकि जो फ्यूल की बचत होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ईवी लेने से फ्यूल का जो या फिर टैक्सेस का जो आपको बेनिफिट मिलेगा उसकी भी बात करेंगे हम। तो बहुत सारे लोग शिफ्ट होना चाहेंगे ईवी में, तो अगर आपको ईवी में इंटरेस्ट है, आप फ्यूचर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको दिखते रहें और उसकी नोटिफिकेशन आते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो अभी मैंने कोई प्लान नहीं किया है कैसे कैसे वीडियो बनाऊंगा, जैसे जैसे यूज़ करूंगा जो मुझे लगेगा आपको बताना चाहिए, आपके डिसीजन मेकिंग में वो मदद कर सकता है, तो मैं उन वीडियो को अपलोड करूंगा। फिलहाल तो ये है हमारी गाड़ी, बाहर से जल्दी से दिखा देते हैं और ये अनकट वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसको एडिट करना ना पड़े, क्योंकि एडिट के चक्कर में ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। इग्निशन ऑन रह गया है शायद, इसलिए ये साइलेंट करना पड़ेगा, इसको साउंड कर रहा है। तो हम इसको, ये भी एक फीचर है, ऑफ कर देते हैं। तो ये अब हो गया ऑफ। तो ऐसा कुछ डाटोना ग्रे कलर लिया हमने, वॉश कराने का समय नहीं मिला, तो अभी थोड़ा सा गंदा होगा, बट ऐसा कुछ लुक है। और हमारी पुरानी कार आपको दिखाते हैं, यहाँ पे है स्विफ्ट, जिसके साथ भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब 50+ मॉडल्स के कार चलाए हुए हैं, दोस्तों के या फिर टेस्ट ड्राइव्स के या ऐसे भी, तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हुई हैं। ये हमारी स्विफ्ट जो 1,00,000+ किलोमीटर चल चुकी है, और हमने काफ़ी दिनों से जब सीवी में शिफ्ट हुए हैं इसको चलाना थोड़ा कम कर दिया है या बहुत ही मिनिमम कर दिया है। तो ये हमारी गाड़ी है। तो इसके अलावा हम ओला स्कूटर तो अभी घर पर है, पापा चला रहे हैं उसको। यहाँ पर थोड़ी बारिश वारिश हो रही थी तो हमने घर पर छोड़ दिया, क्योंकि फोर व्हीलर पे ही हमारा ज़्यादा काम चल रहा था। तो ये कुछ है हमारे एक्सपीरियंस। और हमने पोलो GT वगैरह भी चलाया हुआ है, जो कि काफ़ी ऑटोमेटिक में फेमस गाड़ी थी और काफ़ी पॉपुलर गाड़ी थी, काफ़ी पावरफुल गाड़ी थी। तो ये सारे हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ आपको मदद मिलेगी अपने लिए कार बाय करने के लिए। तो हमारे साथ बने रहें वीडियोज़ में, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, फ्यूचर की वीडियोज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।